तो परसेंटेज कंपोजिशन में हम लोग मेनली क्या पढ़ते हैं, मास परसेंट, क्या पढ़ते हैं, मास परसेंट ऑफ द कंपोनेंट। इसका फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ द कंपोनेंट, मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास या मॉलिकुलर मास, जो लिखना है लिख सकते हो, ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास या टोटल मास, जो भी लिख सकते हो, इनटू ये मास परसेंटेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं Fe3O4, ठीक है, Fe3O4, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड, वन मॉलिक्यूल ऑफ FeO एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ Fe2O3, फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड, बोथ आर आर फॉर्म्ड एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली, देन इट इज डिनोटेड बाय Fe3O4, ठीक है ना। सो Fe3 इज नॉट अ वन कंपाउंड बट इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड, फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड, और आयरन टू ऑक्साइड और आयरन थ्री ऑक्साइड। इसका नाम दो तरीके से लिख सकते हैं, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पर वैलेंसी आयरन का 3 है, यहाँ पर आयरन का वैलेंसी 2 है, तो जहाँ कम रहता है अस लगाते हैं, ज़्यादा रहता है तो इक लगाते हैं। सो इट इज अ फेरस ऑक्साइड एंड इट इज फेरिक ऑक्साइड। अनदर वे द मॉडर्न नोटेशन आयरन टू ऑक्साइड, कैसे लिखते हैं, आयरन टू ऑक्साइड, आयरन टू ऑक्साइड, दिस इज द मॉडर्न वे टू राइट द नेम ऑफ कंपाउंड, एंड दिस इज कॉल्ड आयरन थ्री ऑक्साइड, इज अ मॉडर्न वे, ओल्ड मेथड फेरस फेरिक, ठीक है, ये मॉडर्न है, समझ गए, क्लियर। तो अगर हम इसमें कॉम्पोजिशन निकालना चाहेंगे आयरन का और ऑक्सीजन का कितना है परसेंटेज, तो कैसे निकालेंगे, पहले टोटल मास निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, यस्टरडे वी हैव टॉक्ड अबाउट द फॉर्मूला मास, इट इज अ आयनिक कंपाउंड, सो वी शुड नॉट टॉक अबाउट द मॉलिकुलर मास, ये आयनिक कंपाउंड है ना, तो हम लोग फॉर्मूला मास की बात करेंगे, मॉलिकुलर मास नहीं होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला मास ऑफ Fe3O4, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आयरन का कितना होता है एटॉमिक मास 56, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ठीक है, टोटल जब कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करोगे कितना आएगा टोटल 56, 18, 15, 16, ग्राम, ठीक है। तो परसेंटेज कंपोजिशन अब हम निकाल सकते हैं आराम से, इंडिविजुअल भी मालूम है, अब हम निकालते हैं परसेंटेज ऑफ आयरन, परसेंटेज ऑफ आयरन, फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ द कंपोनेंट, मास ऑफ द कंपोनेंट, आयरन कितना है इसमें, तो आयरन क्या हो गया 3 × 56, यही ना होगा, और टोटल कितना है 232 × 100, टोटल कितना है 232 ग्राम। आयरन का इंडिविजुअल कितना है, Fe3 है, 3 × 56 हुआ,
और टोटल कितना हो गया 232। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? ये कैलकुलेट करके, यहाँ कैलकुलेट क्या होने है, कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लोगे आ जाएगा। इसी तरह से फिर हम लोग लिखेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ आयरन निकाल लिए, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, टोटल ऑक्सीजन कितना है, वो 4 है ना, तो 4 × 16 हो गया, और टोटल कितना है 232 × 100। अब कैलकुलेट करके निकाल लोगे जितना है। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये हो गया टोटल Fe3O4। ठीक है ना, इसको अगर और ज्यादा अच्छे से निकालना चाहेंगे तो हमको दो कंपाउंड का अलग अलग निकालना पड़ेगा, दोनों ही कंपाउंड का अलग अलग निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हम Fe3O4 एक साथ निकाल दिए, और फिर FeO के लिए अलग से, फिर Fe2O4 के लिए अलग से निकालना होगा, वो परसेंटेज कंपोजिशन अलग हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, तो ये हो गया कि एक साथ निकाल लिए, अब इसमें दो कंपाउंड है तो दोनों के लिए अलग अलग भी निकाल दो। ठीक है, तो ये परसेंटेज ऑफ आयरन इन Fe3O4 निकाले, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन Fe3O4 निकाले। अब हम लोग निकालेंगे FeO। फेरस ऑक्साइड, ठीक है, सो फॉर्मूला मास, ठीक है, फॉर्मूला मास ऑफ आयरन ऑक्साइड कितना हो जाएगा, ये आयरन का 56 और ऑक्सीजन का 16, ये आ जाएगा 72। ठीक है, अब निकालेंगे परसेंटेज ऑफ आयरन इन FeO, परसेंटेज ऑफ आयरन इन FeO। अब पहले जो परसेंटेज निकाले थे इसमें निकाले थे Fe3O4, अब निकालना है परसेंटेज FeO में। ठीक है, तो इंडिविजुअल कितना, एक ही आयरन है, ये हो गया 56, टोटल कितना हो गया 72 × 100। ठीक है, फिर निकालेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, इंडिविजुअल ऑक्सीजन एक ही है यहाँ पर, तो 16 हो गया इसका मास, और टोटल मास कितना है 72 × 100, जो भी आएगा कैलकुलेट करके निकाल लोगे। ठीक है, अगर सही होगा तो दोनों को परसेंटेज ऐड करोगे तो 100 आएगा, अगर 100 नहीं आ रहा है तो रॉन्ग होगा। ठीक है, अंडरस्टूड दिस? तो इंडिविजुअली अलग अलग निकालेंगे तो इस तरह से आएगा, फिर हम लोग फेरिक ऑक्साइड में भी निकालेंगे। नाउ इन फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, व्हाट इज द फॉर्मूला मास ऑफ फेरिक ऑक्साइड, इट इज 2 × 56 प्लस 3 × 16, हाउ मच इट इज 160 ग्राम, सो टोटल मास इज 160 ग्राम। नाउ द परसेंटेज ऑफ आयरन, परसेंटेज ऑफ आयरन इन फेरिक ऑक्साइड कितना हो गया, इंडिविजुअल कितना है, दो आयरन है ना, तो 2 × 56 अपॉन टोटल 160 × 100। ठीक है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मच इज 3 ऑक्सीजन, 3 × 16 upon 160 × 100, दोनों कैलकुलेट करके निकाल दो। सो दिस इज द परसेंटेज कॉम्पोजिशन, अंडरस्टूड? इट इज टोटली मैथमेटिकल, ठीक है ना, इसमें कोई थ्योरी नहीं है।
अब हम लोग पढ़ेंगे मॉलिकुलर फार्मूला। मॉलिकुलर फार्मूला क्या बताता है? इट गिव्स यू द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम व्हिच इज प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस, वेदर इट इज सिंपल मॉलिक्यूल और कंपाउंड मॉलिक्यूल। इट गिव्स यू द एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। लाइक दैट यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ ग्लूकोज। वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंटेन सिक्स कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन। वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंटेन दिस मच एटम। ठीक है, आया वसन में। बट इंपेरिकल फॉर्मूला जस्ट गिव्स यू द सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन टू इट। इसमें तीन एलिमेंट प्रेजेंट है ग्लूकोज में, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसे कॉमन निकाल लो, सिक्स कॉमन निकालोगे, यहाँ वन बचेगा, यहाँ टू बचेगा, यहाँ वन बचेगा, तो रेशियो क्या हो गया यहाँ पर? ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो हो गया कार्बन हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, क्या हो गया? 1:2:1। तो इम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपली गिव्स यू द एग्जैक्ट रेशियो, सिंपल रेशियो बिटवीन द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन कंपाउंड और मॉलिक्यूल। ठीक है, लेकिन मॉलिकुलर फॉर्मूला रेशियो नहीं बताता है, वो एग्जैक्ट नंबर बताता है कि कितना कितना एटम है, कौन कौन सा एलिमेंट है और उस एलिमेंट का कितना कितना एटम एक मॉलिक्यूल में है। ठीक है, जैसे कि हम लोग ये लिए हुए हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे H2SO4 है ना, ये क्या है? मॉलिकुलर फॉर्मूला है, ये क्या है? मॉलिकुलर फॉर्मूला है ना। तो मॉलिकुलर फार्मूला है, तो इस मॉलिकुलर फार्मूला में क्या बता रहा है? वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर एटम एंड 4 हाइड्रोजन। एग्जैक्ट नंबर बताता है, लेकिन इसमें क्या बताएगा? रेशियो। इम्पेरिकल फार्मूला क्या बताएगा? रेशियो। आगे बात सुनमें, और इम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला में क्या रिलेशन है? ये है रिलेशन, मॉलिकुलर फार्मूला अपॉन इम्पेरिकल, दोनों का जो रेशियो होता है वो एक फैक्टर है एन, और इस एन का वैल्यू कोई होल नंबर आएगा, 1, 2, 3, 4 फ्रैक्शन में आएगा, समझ गया ना? एन का वैल्यू जो ये फैक्टर है, रेशियो ऑफ मॉलिकुलर फार्मूला टू इम्पेरिकल फार्मूला और रेशियो ऑफ मॉलिकुलर मास टू इम्पेरिकल मास, रेशियो ऑफ मॉलिकुलर मास टू इम्पेरिकल मास और रेशियो ऑफ मॉलिकुलर फार्मूला टू इम्पेरिकल फार्मूला, इसका जो रेशियो होता है उसको हम लोग फैक्टर बोलते हैं, और इस फैक्टर का वैल्यू जो होता है वो होल नंबर होता है, लाइक 1, 2, 3, 4, 5 ना, डेसिमल में नहीं आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा ये नंबर। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द मॉलिकुलर फार्मूला एंड इम्पेरिकल फार्मूला। मतलब क्या हो गया कि अगर हम इम्पेरिकल फार्मूला में फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिकुलर फार्मूला मिल जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा ना, एन इंटू इम्पेरिकल फार्मूला इक्वल टू मॉलिकुलर फार्मूला। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई द फैक्टर विद द इम्पेरिकल फार्मूला यू विल गेट द मॉलिकुलर फार्मूला। सो व्हेन यू विल बी सप्लाइड विद द परसेंटेज कंपोजिशन, इन दैट केस इफ हैव बीन सप्लाइड परसेंटेज कंपोजिशन, देन इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द इम्पेरिकल फार्मूला। Once you got the empirical formula, you will be getting the molecular formula. ठीक है, सो दीज आर ऑल फॉर न्यूमेरिकल्स। तो अब हम लोग जो है एक कोई न्यूमेरिकल लेकर के तब इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग मोलिकुलर फार्मूला मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटली किसी का मोलिकुलर फार्मूला कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, बिकॉज दीज आर नॉट द थियोरटिकल क्वेश्चन, ऑल आर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है ना, न्यूमेरिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल लेंगे तब समझ में आएगा। ये सारा समझ में आ गया कि मॉलिकुलर फार्मूला क्या है? मॉलिकुलर फार्मूला गिव्स यू द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स और एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम व्हिच इज प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। मॉलिक्यूल कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कौन कौन सा एटम है और वो कितना कितना एटम है ये बताता है मॉलिकुलर फार्मूला। ठीक है, लेकिन इम्पेरिकल फार्मूला ये नहीं बताता। इम्पेरिकल फार्मूला जो डिफरेंट एटम प्रेजेंट्स है, जो वेरियस एटम प्रेजेंट्स है उसके बीच में क्या रेशियो है वो बताता है, एग्जैक्ट नंबर
नहीं बताता है। कौन? इम्पेरिकल। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? फैक्टर का। इम्पेरिकल फॉर्मूला में फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा मॉलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, तो हम इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे मॉलिकुलर फॉर्मूला को डराइव करने में। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, अब क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है? ऑन एनालिसिस मतलब क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट किया गया है ना, सब्सटेंस ऑन एनालिसिस मतलब कोई एक्सपेरिमेंट किया गया है किसी कंपाउंड के साथ। ठीक है, तो उस कंपाउंड का जब एनालिसिस किया गया एक्सपेरिमेंट के बाद तो परसेंटेज कंपोजिशन ही आता है। उसमें दिख रहा है सोडियम 43.4% है, कार्बन 11.3% है, ऑक्सीजन 45.3% है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका इंपेरिकल फॉर्मूला आप निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग टेबल फॉर्म में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एलिमेंट का नाम लिखेंगे। ठीक है, कौन कौन सा एलिमेंट है? सोडियम है, ठीक है, दूसरा क्या है? कार्बन है, और तीसरा क्या है? ऑक्सीजन है। अब देखो इसके बनाने में अहमद ऑक्सीजन दे दिया है, अगर परसेंटेज कंपोजिशन दिया रहेगा किसी क्वेश्चन में और उसमें ऑक्सीजन दिया हुआ नहीं है और सबको ऐड करके 100% नहीं हो रहा है, जो रेस्ट बच रहा है वो ऑक्सीजन है, यही आ रहा है। इसमें तो दे दिया ऑक्सीजन, कोई बात नहीं है, 100 हो भी रहा है, 43 आया है, 45 हुआ है, 11 आया है, 100 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 100 नहीं है सारा परसेंटेज मिलाने के बाद, इसका मतलब कोई ना कोई एलिमेंट छूट गया है। और देख लो उसमें ऑक्सीजन अगर नहीं है और 100% पूरा नहीं हो रहा है, यानी रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो है वो ऑक्सीजन है, समझ गया? इसमें तो ऑक्सीजन दे दिया इसलिए कोई बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा एलिमेंट का नाम लिख लिए। ठीक है, दूसरे में हम सेकेंड कॉलम में लिखेंगे हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है ना, परसेंटेज कंपोजिशन, सोडियम कितना है? 43.4, कार्बन कितना है? 11.3, और ऑक्सीजन कितना है? 45.3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे एटॉमिक मास, एटॉमिक सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23 होता है। एटॉमिक मास नॉर्मल एलिमेंट जितना है उसका याद रहना चाहिए, नॉर्मल रहेगा तो दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, लेकिन नॉर्मल एलिमेंट है तो क्वेश्चन में एटॉमिक मास नहीं दिया हुआ रहेगा, इसमें सब नॉर्मल एलिमेंट है, इसलिए ये तो याद रखने वाली चीज़ है, इसलिए क्वेश्चन में नहीं दिया गया एटॉमिक मास। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। ठीक है ना, हाँ? अब निकालेंगे हम लोग रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने बताया है ना, हाँ? रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? एक्चुअल मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। नंबर ऑफ मोल्स ऐसे निकालते हैं, एक्चुअल मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो यहाँ तो परसेंटेज में दिया हुआ, एक्चुअल मास दिया नहीं है, इसलिए हम नंबर ऑफ मोल्स की जगह रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स लिखे, इसी को हम लोग एक्चुअल मास मान कर चले, है ना? ये हो जाएगा 43.4 अपॉन 23, ये हो जाएगा हमारा 11.3 अपॉन 12, ठीक है, ये हो जाएगा 45.3 बाय 16। ठीक है, आगे बात समझ में? एक्चुअल मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, एक्चुअल मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, एक्चुअल मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, तो नंबर ऑफ मोल्स मिला ये अप्रॉक्सीमेटली 1.88 आता है। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट 0.94 आएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 2.83। अब आगे हम लोग निकालेंगे सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो कैसे निकालेंगे?
नंबर ऑफ मोल्स जो सबसे कम है उसी से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स जो सबसे कम है उससे डिवाइड करेंगे सारे को। सबसे कम कौन है? 0.94 से डिवाइड करेंगे तीनों को। 1.88 डिवाइडेड बाय 0.94, 0.94 डिवाइडेड बाय 0.94, 2.83 डिवाइडेड बाय 0.94, जो सबसे कम रहेगा उसी से डिवाइड करेंगे। इसको सिंपल रेशियो भी बोल सकते हो, होल नंबर रेशियो भी लिख सकते हो, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली 2 के बराबर आएगा, 2 आ ही जाता है, 2 आएगा क्या, 2 के बराबर 2 ही आता है, ये 1 आएगा, ठीक है। 9 × 27, 4 × 12, 3 बार में ये 11 है, 3.1 समथिंग आएगा, तो 3 हो गया, आ गया समझ में। अब यही इसी से हमारा इम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा, समझ गई। तो इसमें जो भी आएगा उसको हम अप्रॉक्सीमेटली लिख देंगे। ये तो एग्जैक्टली 2 आया है, एग्जैक्टली 1 आया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें ये 3 पॉइंट, क्योंकि आएगा 3.01 लगभग आएगा, ये आएगा हमको लगता है 3 पॉइंट, निकाल लेना एग्जैक्टली कितना आता है 3.0। अब यहाँ पर लिखेंगे होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो हम क्या करते हैं, हम लोग सब अप्रॉक्सीमेशन कर देते हैं, जितना भी डेसिमल में उसको हटा देते हैं, है ना, जिधर भी इधर उधर करते जानते हैं ना, अप्रॉक्सीमेशन करने सीखे हुए हैं, वही अप्रॉक्सीमेशन करेंगे। 2.9 रहेगा तो 3 लिखेंगे, 3.1 रहेगा तो भी 3 लिखेंगे, है ना, 2.8 रहेगा तो भी 3 लिखेंगे, 2.2 रहेगा तो 2 लिखेंगे, आई बात समझ में। ये यही ना अप्रॉक्सीमेशन है, तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया और ये 3 हो गया। अब यहाँ पर रहेगा इम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, ये 2 है किसमें, सोडियम, ये हो गया Na2C1O3, है ना, ये ना हो गया, 1 नहीं लिखते हैं जनरली, वो लिख देते हैं Na2CO3, Na2CO3 है, इम्पेरिकल फॉर्मूला। और हमको लगता है कि यही मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होगा, फैक्टर इसमें 1 आ जाएगा, है ना। अगर कहेगा किसी का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने, तो तुमको एक और डेटा इसमें दे देगा, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया हुआ है तो हमको इम्पेरिकल फार्मूला पर रुक जाना है, लेकिन अगर मॉलिक्यूलर मास दे दिया है तो हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल कर दिखाना है, एक फैक्टर और आगे बढ़ेगा, समझ गए। तो आओगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।